हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत सारी जानकारी बच्चों की टीदिंग प्रोसेस के बारे में। आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि टीदिंग कब स्टार्ट होता है, कब तक चलता है, दांत किस ऑर्डर में आते हैं, क्या साइंस होते हैं, कितनी लंबी साइकिल होती है, तो वो सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि टीदिंग में बच्चों की मदद कैसे करें, तो उस पर एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी जाएगा, तो आप वो जाके वो वीडियो देख सकते हो क्योंकि वो पार्ट मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाली हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाल बटन को हिट करके और बेल आइकन को हिट करके, ताकि कभी भी हम एक वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए अब टीदिंग के प्रोसेस को समझते हैं। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मेरा बेटा अब 16 महीने का हो गया है, उसके टोटल 10 दांत आ गए हैं और दो दिख रहे हैं बिल्कुल आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब, क्योंकि मैंने उसकी इतनी लंबी जर्नी देख ली है टीदिंग को लेके, अब राइट टाइम है कि मैं एक वीडियो करके आपके सारे क्वेश्चंस इस पूरे प्रोसेस के बारे में जो है उनके जवाब दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी बात जो मुझे भी नहीं पता था, कि जो बच्चों के सबसे पहले दांत निकलते हैं उनको बोला जाता है मिल्क टीथ या फिर प्राइमरी टीथ या बेबी टीथ। ये जो दांत होते हैं, ये निकलने में हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितने दर्द से निकलना पड़ता है और उसके बाद हमें खुशी होती है कि दांत आ गए, अनफॉर्चुनेटली ये दांत गिरते भी हैं और उसके बाद जो दांत आते हैं वो फाइनल हमारे परमानेंट दांत होते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं, मतलब जैसे हम एज करते हैं तब गिरते हैं। तो नंबर वन, इनको बोला जाता है मिल्क टीथ। नंबर टू, जो ये अभी बच्चे के दांत आएंगे, ये 3 महीने से अप्रॉक्सीमेटली आना शुरू होते हैं और जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक ये जो मिल्क टीथ का पूरा सेट होता है ये आ जाता है। अब 3 महीने जो है एक एक्सेप्शन है, अगर नॉर्मल गाइडलाइन देखी जाए तो 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे का पहला दांत जो है वो निकल के आता है, बट कुछ बच्चों के साथ ये भी देखा गया है कि एज अर्ली एज 3 महीने में भी उनका पहला दांत निकल सकता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे कुछ साइंस दे रहा है टीदिंग के, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, 3, 3.5 महीने, 4 महीने के आसपास, तो घबराइए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी बात कि कितने दांत निकलते हैं, ये मिल्क टीथ जो हैं ये होते कितने हैं, तो टोटल 20 दांत जो हैं वो मिल्क टीथ का सेट फॉर्म करते हैं, जो 3 महीने से 3 साल के बीच में टोटल बच्चे के 20 दांत निकलेंगे। और निकलने के बाद जब बच्चा अराउंड 6 ईयर्स का हो जाता है, 6 साल का होता है, तब ये जो मिल्क टीथ हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं और ये रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ के, जो पूरा का पूरा 32 दांतों का सेट निकल के आता है और ये कम से कम 6 से 14 साल के बीच में चलता है। अब बात करते हैं कि ये जो एक दांत निकलने की साइकिल होती है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब मुझे अपने बच्चे के जो गम्स हैं वो रेड दिख रहे हैं या फूले हुए दिख रहे हैं, तो दांत कब निकलेगा, कितने दिन में सेटल हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा साइकिल के बारे में बताती हूँ, जो जनरल गाइडलाइन है, ऑब्वियसली बच्चा टू बच्चा ये अलग भी हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक दांत बच्चे का निकलने वाला होता है तो उसके जो गम्स, जो मसूड़े होते हैं, वो फूलना शुरू हो जाते हैं, लाल होना शुरू हो जाते हैं। आप कई बार देखोगे कि बच्चा आपको उस एरिया को भी बिल्कुल टच भी नहीं करने देगा या खुद अपनी एक उंगली डालेगा, चीज़ें मुँह में डालेगा, क्योंकि उससे उसको थोड़ा आराम मिल रहा होता है। जब ये मसूड़े जो हैं वो फूलना शुरू हो रहे होते हैं या तैयार होना शुरू हो रहे होते हैं, उस दिन से लेके 5वें या 6ठे दिन पर जो है वो दांत फट के मसूड़ों से निकल जाता है और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन लगते हैं उस दांत को पूरी तरह से बाहर निकलने में। तो होगा क्या कि अराउंड 3रे 4थे या हो सकता है कुछ बच्चों में 5वें दिन पे भी आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दांत की लेयर है वो बिल्कुल मसूड़ों के पास दिखना शुरू हो जाएगी और फिर आपको बस वेट करना होगा उस दांत के निकलने का, जिसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन में वो पूरी तरह बाहर आ जाएगा। तो अगर एक साइकिल की बात करी जाए कि पहले दिन से लेके कम से कम 8वें से 9वें दिन तक का पूरा एक साइकिल चलता है एक दांत के तैयार होके बाहर निकलने का। तो जैसे ही आपको हल्का दांत निकलता हुआ देखिए, ये मत सोचिए कि मतलब अब बच्चे को जो परेशानी हो रही है वो खत्म हो गई होगी, उसके बाद भी 2 से 3 दिन तक उसको चाहिए होगा थोड़ा आराम, जिससे कि उसका पूरा दांत जो है वो निकल सके। सो 8 to 10 days की साइकिल आप मान लीजिए टीदिंग की, एक दांत निकलने की आराम से होती है। कुछ बच्चों के उसी साइकिल में 2 दांत भी इकट्ठे निकल जाते हैं।
अब इससे पहले कि मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा के समझाऊं कि दांत किस ऑर्डर में निकलते हैं, बात करते हैं कि क्या साइंस देखे जाते हैं बच्चों में टीथिंग के। अब नॉर्मली बच्चों में जो आप बहुत कॉमन साइन देखोगे वो ये देखोगे कि ये उनकी थूक निकलना शुरू हो जाती है, काफ़ी सलाइवा निकलता है, कुछ बच्चे सलाइवा पेट में ले जाते हैं, कुछ बच्चों का बाहर निकलता रहता है, गिरता रहता है, वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है। दूसरा, बच्चे को कुछ ले के मुँह में चबाने का मन करता है, वो कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डालना चाहता है, अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो अपना हाथ ही उठा के मुँह में डालने लग जाता है, तो वो भी क्योंकि उसके मसूड़े फूले हुए होते हैं और उसको पेन हो रही होती है। तीसरा, आप देखोगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बॉडी जो है गर्म होती है। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि उसको बुखार हो जाता है, मतलब बुखार नॉर्मली बेबीज़ में 100 से ऊपर में माना जाता है, बट 99.5 के आसपास आपको देखेगा कि मतलब बेसिकली आपको लगेगा कि बच्चा थोड़ा सा उसकी बॉडी जो गर्म है, क्योंकि बॉडी जो है काफ़ी जो जिसे बोलते हैं मेहनत कर रही होती है उस दांत को बाहर निकालने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होता है। बच्चा काफ़ी इरिटेबल हो सकता है, उसका जो खाना वो खा रहा है उसका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कई बार बच्चा दूध की बॉटल ले रहा है या अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो निप्पल भी है उसको भी मतलब बुरी तरह से चबाना चाहता है क्योंकि उसको इतनी इरिटेशन हो रही होती है। कुछ बच्चों की बिल्कुल भूख चली जाती है, उनको कुछ भी उस टाइम पर खाने का मन नहीं कर रहा होता, काफ़ी फसी हो जाते हैं बच्चे उस टाइम पर। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी कॉमन साइंस है कि बच्चा जो है वो टीथिंग कर रहा है। एज अ पेरेंट अगर बच्चा आपको अलाउ करता है तो आप बच्चे का थोड़ा सा मुंह ओपन करके देख सकते हो आपको, और टच भी करके देख सकते हो एक क्लीन फिंगर से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी फिंगर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। थोड़ा सा आप टच करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मसूड़ा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, या फिर बच्चे ने एकदम मसूड़े से हाथ हटा दिया, कान के पीछे की नसें जो हैं वो थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो ये सब काफ़ी कॉमन साइंस है। अब एक जो वहम वाली बात है या एक मिथ जो बना हुआ है वो ये है कि टीथिंग के टाइम पे बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, बच्चे को पोटियाँ लग जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीथिंग के टाइम पे होता क्या है, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ मुंह में डाल रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जाने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है, प्लस उसका इतना सलाइवा अंदर जा रहा होता है जिसकी वजह से काफ़ी लिक्विड उसके पेट में जा रहा होता है। तो हो सकता है कि बच्चे को एक आधी कोई पतली पॉटी आ जाए या उसने थोड़ा सा मतलब जिसे बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में पॉटी कर दी, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका टीथिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आप जितनी सफाई मेंटेन करोगे, जितना हाइजीन मेंटेन करोगे, उतना ही ये सब चीज़ जो है वो अवॉइड हो जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर्स के हिसाब से जाओगे तो टीथिंग का साइन कभी भी लूज मोशन और फीवर नहीं होता है, वो एक आउटकम होता है कि बच्चा क्या चीज़ें मुँह में डाल रहा है टीथिंग की वजह से, जिसकी वजह से उसको ये हो गया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको दिखाते हैं कि जो दांत हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं। तो एज अ पेरेंट आप किस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या दांत आएगा, ये आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से आपको भी समझ आ रही होती है कि अब बच्चे का कौन सा दांत निकल रहा है। कुछ दांत होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं निकलना, कुछ जो है वो थोड़ा आराम से निकल आते हैं, तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए इस चार्ट को पढ़ते हैं। तो अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एक नॉर्मल गाइडलाइन है कि बच्चों के दांत किस ऑर्डर में आते हैं, किस महीने में आते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 20 दांत आएंगे बच्चे के पहली बार में, और ये जो दांत हैं ये 5 के सेट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले को बोला जाता है सेंट्रल इंसिजर, फिर लैटरल इंसिजर, फिर केनाइन, फिर फर्स्ट मोलर और लास्ट में सेकेंड मोलर। हर सेट में 4 दांत निकलते हैं, 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत निकलते हैं। तो एक सेट 4 दांत का जब 5 सेट निकलेंगे तो हो जाता है टोटल 20 दांत। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं निकलता है सेंट्रल इंसिजर जो 6 से 10 महीने के बीच में निकलता है। नॉर्मली पहले नीचे के 2 दांत जो हैं वो निकलते हैं और उसके बाद ऊपर के 2 दांत निकलते हैं, ये बिल्कुल बीच के दांत होते हैं, इनको बोला जाता है सेंट्रल इंसिजर। कुछ बच्चों के केस में पहले ऊपर का भी निकल सकता है और उसके बाद नीचे का निकलता है। कुछ बच्चों का पहले एक दांत आता है फिर दूसरा दांत आता है, बट कुछ बच्चों के केस में दोनों दांत इकट्ठे एक आधे दिन के गैप में भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नीचे के 2 दांत आए, फिर ऊपर के 2 दांत आए और इन 4 दांत के सेट ने बनाया सेंट्रल इंसिजर जो 6 से 12 महीने के बीच में आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड सेट आता है उसको बोला जाता है लैटरल इंसिजर। लैटरल इंसिजर ये जो हमारे बीच के 2 दांत आए हैं इसके साथ वाले दांतों को लैटरल इंसिजर बोला जाता है। ये 10 से 16 महीने के बीच में निकल जाते हैं। तो जैसे कि आप ये ऑरेंज वाला सर्कल देख सकते हैं, ये साइड का एक दांत और ये दूसरा दांत, और ये ऊपर की साइड का एक दांत और ये दूसरा दांत। ये आप टाइमलाइन भी देख सकते हो कि 9 महीने से लेकर 16 महीने के बीच में लैटरल इंसिजर जो है वो निकलता है। तीसरा सेट जो निकलता है उसको बोला जाता है फर्स्ट मोलर। जैसे मैं आपको कबीर का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो कबीर का पहले अब फर्स्ट मोलर निकल रहा है और उसके बाद जो है मुझे अब केनाइन भी दिखना स्टार्ट हो गया है।
तो जो फर्स्ट मोलर होता है, जैसे कि आप उसकी टाइमलाइन देख सकते हो, वो पीछे का दांत होता है, मतलब एकदम पीछे का नहीं, एकदम पीछे से एक पहले वाला दांत होता है, बट काफ़ी मोटा वाला दांत होता है। इसको निकलने में बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है। ये 13 से 19 महीने के बीच में निकलता है। तो आप ये देख सकते हो ब्लू सर्कल 13 से 19 महीने और नीचे का ब्लू सर्कल 14 से 18 महीने। तो बेसिकली 13 से 19 महीने के बीच में चारों दांत जो फर्स्ट मोलर है वो निकल जाते हैं। उसके बाद जो निकलता है वो होता है केनाइन। केनाइन जो होता है वो शार्प टूथ होता है, इसको भी निकलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आप ये देख सकते हो ये फर्स्ट मोलर और लैटरल के बीच वाला दांत है। 16 से 22 महीने के बीच में ये दो दांत निकले और 17 से 23 महीने के बीच में ये दो दांत निकले। तो अगर मैं एक पूरी साइकिल मान लूँ तो 16 से 23 महीने के बीच में आपके ये दांत निकलते हैं। और जो लास्ट सेट आता है, जो नॉर्मली 2 साल के बाद आता है बच्चे का, जिसमें अगेन बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो उसको बोला जाता है सेकेंड मोलर, जो बिल्कुल पीछे का सबसे मोटा दांत होता है। जैसे कि आप यहाँ पर्पल सर्कल में देख सकते हो 23 से 31 महीने के बीच में नीचे का दांत और 25 से 33 महीने के बीच में पीछे का दांत। तो इस तरह से पूरी जो साइकिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से लेके 33 महीने में यहाँ पे दिखाई गई है। बट जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्शन ये है कि 3 महीने से लेके स्टार्टिंग हो सकती है और 36 महीने तक भी ये चल सकता है, और जो सेट है वो आगे पीछे डेफिनेटली हो सकता है, ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये जो चार्ट है ये समझ के काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैं एज अ पेरेंट बहुत मतलब कीन थी ये समझने के लिए कि कौन सा दांत कब आएगा, मैं कब एक्सपेक्ट करूँ कि कौन से दांत आने वाले हैं, क्योंकि उसके हिसाब से उसको दर्द भी ज़्यादा होगा। और क्या होता है कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को जो आप हेल्प कर सकते हो टीदिंग के टाइम पे, वो बिल्कुल अलग होती है वर्सेस छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को आप ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते हो, तो मतलब उस तरह से आपके जो सॉल्यूशन है वो भी अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। इसीलिए इस चार्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अब एक क्वेश्चन और जो आता है टीदिंग से रिलेटेड, कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को 10 महीने हो चुके हैं या 1 साल हो चुका है, अभी तक उसका एक भी दांत नहीं निकला। तो जैसे हमने चार्ट में भी समझा कि नॉर्मली 6 से 10 महीने के बीच में मतलब 2 दांत तो आ ही जाते हैं, बट अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके डॉक्टर को विजिट करो और डॉक्टर को दिखाओ। कई बार देखो कुछ केसेस में तो ये होगा कि नेचुरली ही थोड़ा लेट चल रहा है, विच इज़ ओके, बट डॉक्टर को वो चीज़ कन्फर्म करने दो। बट नॉर्मली ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, किसी चीज़ की कमी की वजह से हो सकता है कि मतलब बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए दांतों को निकालने के लिए वो उसको ठीक से मे बी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इतना डिले चल रहा है। तो वो डॉक्टर्स आपकी हेल्प करके इस चीज़ को असेस कर पाएंगे। बट येस, टाइमली 10 से 11 महीने तक अगर बच्चे का पहला दांत भी नहीं आया तो एक बार डॉक्टर से मिल लो। सो दैट्स इट। आई होप मैंने आपके सारे टीदिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ूँ और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं अपार्ट फ्रॉम सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस पे मैं एक अलग वीडियो कर चुकी हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इसमें आंसर करने की कोशिश करूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें, और कॉमेंट ज़रूर करके बताओ अगर कोई और क्वेश्चन है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।